एक तो यह है कि एयरलाइंस वाले अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अलाउ नहीं कर रहे हैं आजकल। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा एक बॉक्स होना चाहिए जो जिसको चेकिंग करा सके। कई बार मैं डांस में बजाता होता था या तो लाइट चली गई स्टेज पे, तो मैं अंधेरे में दूसरा बांसुरी ढूंढना है तो मुझे ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होती थी कि अब कहाँ है। और वो आवाज़ भी बांसुरी में, जब से एक से दूसरे को ढूंढ रहा हूँ तो बांसुरी आपस में टकरा रही है और ऑडियंस में एक आवाज़ जा रही है उसकी। इस बक्से से बनाने से पहले कई सारे बक्से बनाए, लेकिन कोई दो बार ले गया, दूसरी बार तोड़ के दे गया, तीसरी बार तोड़ के दे गया, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं था। तो सबसे पहले इसका मैंने कॉपी राइट कराया ताकि कोई भी इसका कॉपी करे तो मैं उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकूँ। ये अलग अलग सेक्शन में सबको रखा है, स्किल वाइज रखा है, ताकि आप इधर भी घूम रहे हैं तो आपको मालूम है कि आपका सी कहाँ है। ये मैंने ए शार्प से शुरू किया तो मुझे उंगली से भी अंधेरे में पता चल जाएगा ए शार्प है, बी है, फिर सी है, चलो सी निकाल लिया। बड़े बांसुरी को मैंने बेल्ट लगा के इधर ग्रिप किया है। और छोटे बांसुरी का सेक्शन अलग अलग किया है। इसमें एक एक चीज जो सबसे अच्छी अवेलेबल है उस चीज को मैं यूज किया हूँ ताकि कभी भी कुछ हो जाए बांसुरी को किसी तरह से खतरा नहीं। ये फाइबर ग्लास को यूज किया, ये स्केच प्रूफ है क्योंकि बहुत हाई क्वालिटी का केमिकल यूज किया गया है इसके लिए। ये एनमुलियम के चैनल है, काफी हाई क्वालिटी का रबर सीट यूज किया हूँ, वेलक्रो लगाया हूँ। ये रबर से तो ये ग्रिप इसमें हो गई है, बांसुरी हिलेगी नहीं, लेकिन तब भी डबल इसको सपोर्ट के लिए ये वेलक्रो भी दिया हूँ, इसमें बेल्ट से नीचे इसको किया हूँ। थोड़ा वेट तो है इसका, 7 से 8 kg के अराउंड में है, तो वेट पे मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, लेकिन इससे कम वेट में बनाया तो फिर वो बांसुरी के सेफ्टी के लिए ठीक नहीं। जब एयरपोर्ट पे जाते हैं इसको चेकिंग करते हैं और बैग को फेंका जाता है तो देखा गया, शुरू में जो मैं बैग बनाए थे तो उसके ये हैंडल टूट रहे थे, तो मैंने फिर इस टाइप का हैंडल यूज किया ताकि ये चिपक जाए इसमें जाके घुस जाए बना रहे। व्हील भी हैं इसमें चलने के लिए। इसको बहुत सारे लोगों ने मिल के बनाया है और ये जितने भी बनाने वाले हैं ये कोई कारीगर तो है ही, लेकिन ये सब मेरे मित्र मंडली में आते हैं। जैसे एक जगह सबसे पहले मैंने फाइबर ग्लास बनाया, इसके बाद दूसरी जगह एल्युमिनियम चैनल का लगाया, फिर तीसरी जगह इसके बेल्ट वगैरह बनाए हमने, और फिर पेस्टिंग वगैरह सारा मैं खुद करता हूँ। पेस्टिंग का जितना काम है, रबर कटिंग है, ये सब मैं खुद करता हूँ। तो कुल मिला के 4-5 लोगों मिल के इसको किए हैं और इसके डिज़ाइन में पारसनाथ का बहुत बड़ा हाथ है।